नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज। दिल्ली के छावला गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से हर कोई हैरान है। अब इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा है कि वे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। दरअसल 2012 में दिल्ली के छावला में जिस 19 साल की युवती से गैंगरेप हुआ था वो उत्तराखंड की रहने वाली थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने इस फैसले को लेकर वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से बात की है। उन्होंने कहा है कि पीड़िता हमारे राज्य की बेटी है, उसे न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। फरवरी 2012 की बात है, छावला की रहने वाली 19 साल की युवती गुरुग्राम से काम खत्म करके वापस लौट रही थी, तभी रास्ते से तीन लोग उसे कार से अगवा करके ले गए। तीनों बदमाश कार में उसके साथ घंटों तक ज्यादती करते रहे। उत्तराखंड की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की रिहाई के मामले में प्रवासी उत्तराखंडियों में भी गुस्सा है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित गढ़वाल भवन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने एक सभा आयोजित कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा जताई। वहीं इस मामले को लेकर सर्वसम्मति से पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया गया है। अब सवाल आता है कि दोषियों को बरी क्यों किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही की वजह से दोषियों को बरी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 16 फरवरी को आरोपियों के डीएनए टेस्ट सैंपल लिए थे, लेकिन अगले 11 दिनों तक सैंपल पुलिस थाने के मालखाने में पड़े रहे। जानकार बताते हैं कि दोषियों को पुलिस की इसी लापरवाही का फायदा मिला है। यही वजह रही कि 2014 में जिस मामले को लोअर कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसी मामले में दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल JJN News को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।